मायावती बन गई अखिलेश के लिए सबसे बड़ा खतरा। साइकिल के पीछे तेजी से दौड़ा हाथी पश्चिम में खेला। महाभारत के रण में माया की हाथी पर सबकी निगाहें। हाथी बूढ़ा भी हो जाए तो शेर से बड़ा होता है। जिन 58 सीटों पे चुनाव होने वाला है वहाँ अगर साइकिल पर एक पैर भी हाथी ने रखा तो नतीजे कुछ और होंगे। पश्चिम में हर पांचवा वोटर दलित है। ये हर पांचवा वोट अगर BSP को मिला तो फिर सपा RLD का खेल बिगड़ जाएगा। वो कैसे, हम समझाते हैं। मायावती शांत है इसका ये मतलब नहीं कि उनके हाथ खाली है। ये नहीं भूलना चाहिए कि BSP लोकसभा सीटों में सपा से बड़ी पार्टी है। सपा की 5 सीटें आई तो मायावती के खाते में 10 सीटें आई थी। सपा RLD के लिए BSP क्यों टेंशन बनी है वो बेहद ध्यान से समझने वाली बात है। पश्चिम यूपी में 26 जिले आते हैं जहां 136 सीटें हैं। यहां BSP के हाथ में सब कुछ है। 58 सीटों के लिए सपा के 12 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, BSP के 16 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 11 मुस्लिम उम्मीदवार, जबकि BJP ने 58 में से 58 हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें से 23 सीटें ऐसी है जहां बसपा अखिलेश यादव को हराने के मूड में दिख रही है। पश्चिम की 23 सीटें जहां क्रॉस उम्मीदवार बसपा ने उतारी, जैसे मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट पर सपा RLD और BJP की उम्मीदवार हिंदू हैं, तो यहां BSP ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यहां सपा का खेल मायावती बिगाड़ देंगी। लगभग हर सीट पर BSP का यही समीकरण है। BJP के लिए शुभ संकेत है। अगर BSP को वोट मिला तो BJP को जो भी वोट मिलेगा उसमें उनका प्रत्याशी जीत जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती गौतम बुद्ध नगर जिले की रहने वाली हैं, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उनका गढ़ माना जाता है। दलितों के अलावा मुस्लिम वोटर्स के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। दलित मुस्लिम गठजोड़ से 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती पर इस बार सबकी निगाहें हैं। पश्चिम में अखिलेश ने जो दिमाग लगाया है उसे मायावती ने बिगाड़ने की रूपरेखा पूरी तरीके से तैयार कर दी है। पहले और दूसरे चरण की सीटों पर 38 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। यहां पे सपा के भी मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो मजबूती से BJP से लड़ने को तैयार हैं, जबकि BSP के मुस्लिम उम्मीदवार सपा से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बसपा के उम्मीदवार इनके वोटों में सेंध लगाएंगे और BJP की फिर से एक बार पिछली बार की तरह ही आगे निकलने में मदद करेंगे। सिर्फ 38 ही नहीं, गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मिला दें तो 113 में से 85 ऐसी सीटें हैं जिसमें बसपा सपा को सीधे नुकसान पहुंचाती दिख रही है। पश्चिम यूपी में मुस्लिम और जाट वोटरों का बोलबाला है। जाट वोटरों को अपने साथ लाने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से दोस्ती कर ली। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाटों ने जयंत का साथ भी छोड़ दिया। इसलिए गारंटी नहीं है कि जाटों का वोट जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को मिलेगा ही। 2017 में BJP ने बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग से मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी जीत हासिल की। इस बार अखिलेश ने भी वही दिमाग लगाया। इस बार सपा ने उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। सपा का सोचना है कि मुस्लिम वोट उसे ही मिलेगा। अगर प्रत्याशी हिंदू होगा तो हिंदुओं का वोट भी मिलेगा। 2017 के चुनाव में सपा ने कांग्रेस संग मिलकर शुरुआती 3 चरणों के लिए 180 सीटों में से 50 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, मगर सबसे कम मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत पाए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में BJP ने 82 में से 62 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की थी जहां मुस्लिम वोटर एक तिहाई हैं। साल 2017 के चुनाव में मुस्लिम वोटरों में बंटवारा होने के कारण मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, सरधना, खलीलाबाद, टांडा, बस्ती, गंसारी, मुरादाबाद सीटों पर BJP को जीत मिली। साफ है कि मायावती का हाथी अगर साइकिल पर एक पैर भी रखता है तो अखिलेश यादव को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। BJP की पिछली बार की तरह चांदी मायावती ही करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।